जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, शोक हैं, असुर हैं, राक्षस जिन्हें कहते हो, ये सब अबुद्धों को मारते हैं, बुद्ध को कोई नहीं मारता। आपने सुना होगा बचपन में अपने बच्चों को आप कहते हैं, अबोध है बेचारा, तुम कौन से प्रबोधवान हो? Why are you saying about your child? What you are? तुम कौन हो? उसका तो शरीर भी नहीं बढ़ा, बचपना है, कह दिया अबोध है बेचारा। अब जरा अपने विषय में सोचो, 60-70 साल, 50 साल, 40 साल हो गए तुम्हारे, और आज भी तुम क्षण क्षण में रोते हो। प्रत्येक समय तुम्हारा जीवन बड़ा दुरूह है, तकलीफ में है। कभी किसी के धोखे से रो रहे हो, कभी अभाव से रो रहे हो, कभी किसी के प्रभाव को देखकर रो रहे हो, कभी किसी के स्वभाव को देखकर रो रहे हो, मानो रोना तुम्हारा स्वभाव बन गया हो। और यह है अबुद्धता के कारण। श्रीमद् भागवत के महात्म की आज कथा है, और वो बस 5 मिनट लेती है मेरे लिए, 5 मिनट्स, 3 to 5 मिनट्स में पूरा महात्म कह दूंगा मैं। महात्म का अर्थ यही होता है कि जिस वस्तु को तुम ग्रहण करने वाले हो, लेने वाले हो, खरीदने वाले हो, आप्यायन करने वाले हो, एक्सेप्ट करने वाले हो, क्या उसके महत्व को भी जानते हो? एक आदमी झाड़ू लेने जा रहा हो और एक आदमी हीरा लेने जा रहा हो, वही आदमी दोनों, तो झाड़ू और हीरे की देखभाल कैसे करेगा, रखेगा कैसे? डायमंड और झाड़ू में अंतर तो समझता है, क्योंकि दोनों के महत्व को जानता है। झाड़ू चली गई फिर मंगवा लेंगे 10 रुपए की, पर ये पेंडेंट चली गई, ये हार चला गया, ये हीरा चला गया, तो पता नहीं फिर 50 वर्षों में कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे। महत्व जानता है, इसलिए उसको सुरक्षित रखता है, उसके लिए प्राण लगा देता है। भारत की वर्तमान पीढ़ी या दुनिया की वर्तमान पीढ़ी हमारे शास्त्रों का महत्व नहीं जानते, ऋषियों का महत्व नहीं जानते, इसलिए पोंगा पंडित की तरह कहते हैं ये सब रिचुअल्स हैं, मेरे कोई इंटरेस्ट नहीं इसमें। ओ मम्मी लिव इट, ओ पापा लिव इट, ओ डैड व्हाट आर यू डूइंग ओल्ड मैन, रिचुअल्स। ये ग्रंथ उनके लिए एक कागज के टुकड़े हैं, दादा दादी के पढ़ने वाले चीज, पंडितों के पढ़ने वाले चीज। अच्छा, पंडित जी के पास ये ग्रंथ है, और ये ग्रंथ है जिसमें होल यूनिवर्स है, द बिग बैंग थ्योरी इसी ग्रंथ से निकला है। सृष्टि विज्ञान की दृष्टि से जो सृष्टि हुई है वही भागवत में है, भागवत से निकाला गया उसको बिग बैंग कहते हैं। और अभी जब अगले दिन, दूसरे दिन मैं आपको बताऊंगा, तो बताऊंगा अंड से कैसे, अंड के रूप में, पिंड के रूप में कैसे सृष्टि का आगमन हुआ और कहां से हुआ। बड़े दुख की ही बात कहो कि जर्मनी में, फ्रांस में गीता और भागवत के ऊपर रिसर्च हो रहे हैं, और हमारे यहां रिसर्च हो रहा है कि फ्रिज अगर 3 खाने वाला हो जाए तो कितना अच्छा रहे, एक में सामान रहे, एक में पानी रहे, और ज्यादा गर्मी लगे तो एक में हम भी घुस जाएं। इस पर रिसर्च चल रहा है, भौतिक वस्तुओं के ऊपर रिसर्च जिन लोगों ने किया, आज वो आध्यात्मिकता के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उस पराकाष्ठा पर पहुंचने के बाद, अमेरिका, स्वीडन, जापान। और हमारे सारे रिसर्च, हमारे ही पृथ्वी में, हमारी भूमि पर भागवत का उदय, गीता का उदय, रामचरितमानस का उदय, वेद वीरांग, वेदांत, उपनिषद, स्मृतियां, ब्राह्मण ग्रंथ, कितने ग्रंथ हैं।
पर उन पर कोई रिसर्च, कौन कहे सर्च भी नहीं कर रहा है कोई, रिसर्च तो बाद में होगा। धूल खा रहे हैं पड़े पड़े। एक घर में हम गए थे बहुत पहले, हमने कहा आपके यहां भागवत है? बोला हाँ जी हैं, दादी जी रखती तो थी। वो ली के आया लाल कपड़ा में बंधा हुआ, हमारे नाक के सामने ही ऐसे ऐसे ठोक दिया। वो तो अस्थमा होता तो मैं मरी गया था उस दिन। हालांकि जिसने ठोका वही खांसने लगा। क्या हुआ? बोला हमको अस्थमा है। मर जाओगे किसी दिन। बीसियों वर्षों से उस शास्त्र को किसी ने देखा नहीं, लाल कपड़े में बांधकर और उस पर पुष्प रोली मौली पूजन किया। ग्रंथों का पूजन अच्छा है, पर ग्रंथों का पूजन तुम्हारा पठन है, तुम्हारी समझ है। ऋषियों के रिसर्च किए हुए सूत्र इसके भीतर में हैं। उन सूत्रों से तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं मिट सकती हैं। जीवन के जिन जिन समस्याओं के कारण तुम मनो विज्ञान के चिकित्सकों के पास पहुंच रहे हो, ये भागवत का एक श्लोक काफी है तुम्हारी जिंदगी में। तुम्हारी जिंदगी में मुस्कुराहट लाने के लिए, नृत्य लाने के लिए एक श्लोक काफी है। पर तुम इसका महत्व जानते कहां, सुनते कहां?